सीएनसी वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फेसिंग ऑपरेशन जो है वो करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो G0 and G01 के अंदर हम लोग जो है वो फेसिंग का ऑपरेशन करेंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जो है वो सबसे पहले ड्राइंग के बारे में जान लेते हैं। तो जो ड्राइंग का जो जॉब का जो डायमीटर है वो हमने 90 mm का रखना है और इसकी जो लंबाई है वो हमारी 100 mm की है। तो ये एक सॉलिड रोड है, तो इसको आगे से जो है हमने फेस करना है यहाँ से आगे से। तो डायमीटर आपका 90 mm का रहेगा, फेसिंग में डायमीटर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसकी जो लेंथ है वो हम लोगों को जो है वो आगे 5 mm की फेसिंग करनी है, तो 95 mm का जो है हम लोग इसको बनाना है। तो जब हम लोग फेसिंग करते हैं तो हमारी जो जॉब है उसकी जो लंबाई है वो कम हो जाती है। तो इसके अंदर जो आपका जो यहाँ पर आपको कटिंग टूल दिखाया गया, ये हमारा कटिंग टूल है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी नीचे की ओर, ठीक है। तो जिससे आपका जो है वो मेटल जो है वो इसके फेस से जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को जो है स्वान सॉफ्ट सीएनसी सिमुलेटर पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा स्वान सॉफ्ट सीएनसी सिमुलेटर है, इसके अंदर मैंने जो है वो फेसिंग का जो प्रोग्राम है वो G01 and G0 के अंदर जो है वो मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो प्रोग्राम है वो मैंने डाला हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है कि सबसे पहले क्या है आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए, इसका जो है वो प्रोग्राम नंबर है, सीक्वेंस नंबर है और G28 का कोड डाला मैंने और टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, ये आपका G97 का कोड है और RPM यहाँ पर डाला हुआ है और डायरेक्शन डाली हुई है मैंने स्पिंडल की, G21 और G99 कोड डाला है। और यहाँ पे ये हमारी जॉब का जो डायमीटर है वो 90 का था और मैंने 91 पे टूल को रखा, जेड को 10 mm प्लस में रखा। फिर मैंने पहला जो कट है वो बिल्कुल 00 पे लगाया है और G01 के अंदर फिर मैंने यहाँ पे एक्स माइनस मतलब टूल को बिल्कुल सेंटर से नीचे तक की ओर लेके आना है। तो ये प्रोसेस मैंने किया है यहाँ पे, मैंने इसको जो है वो 5 कट में बनाया है ये प्रोग्राम जो है वो। और आप लोग जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड जो प्रोग्राम है G01 का और G0 का फेसिंग का प्रोग्राम देख करके स्वान सॉफ्ट में आसानी के साथ में जो है वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम मैंने पूरा का पूरा टाइप कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपका रॉ मटेरियल है वो हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने जाना है स्ट्रोक साइज़ के अंदर और यहाँ पर जो है आपको 90 mm का डायमीटर आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। मान लो 90 mm का आपने डायमीटर यहाँ पर सेट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो आपको 100 mm का जो आपको जो है वो इसका लेंथ जो है वो ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डायमीटर सेट कर लिया है, तो जॉब का डायमीटर बिल्कुल हमारा सेट हो चुका है, देख सकते हो आप कि किस प्रकार से ये जॉब का डायमीटर सेट हो चुका है। अब हम लोगों को जो है वो कटिंग टूल लेना है, तो यहाँ टूल मैनेजमेंट में जाएंगे यहाँ पे और हम लोगों को एक्सटर्नल टूल लेना है, एक्सटर्नल मेटल को काटना है। तो उसके बाद में एडिट जाते हैं हम लोग, इंसर्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो CNMG इंसर्ट ले रहा हूँ आज मैं, ओके करेंगे यहाँ से और एड टू टूल टरेट में जाएंगे, स्टेशन नंबर 1 में लगाना है आपको और इसको ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो टूल है वो इस टरेट के अंदर जो है वो ये यहाँ पे लगा हुआ आ गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे CNMG इंसर्ट जो है यहाँ पे आ गया है। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग इसका जो ऑफसेट है वो हम लोग लेंगे कि किस प्रकार से ऑफसेट लिया जाएगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑफसेट लेंगे हम लोग किस प्रकार से। तो ऑफसेट लेने के लिए आपको सबसे पहले जॉग मोड सेलेक्ट करना है, जॉग मोड के बाद में आपको जो है वो टूल को जो है वो नज़दीक लेके आना है जॉब के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस प्रकार से मैं यहाँ पर जॉग मोड में ले जा करके टूल को जो है वो जेड माइनस में लेके जा रहा हूँ, जेड माइनस में सबसे पहले लेके जाऊँगा और उसके बाद में जो है वो एक्स माइनस में लेके आएंगे। तो पहले टूल को हम लोग कहाँ पर टच करवाएंगे, डायमीटर के ऊपर जो हम लोग टूल को टच करवाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को टच करवा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स सेलेक्ट किया, एक्स माइनस करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। और ये टूल मेरा जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है और मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसको जो है वो यहाँ पर नज़दीक में लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपका टूल बिल्कुल धीरे 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 जो है वो नज़दीक लेके आना है। तो ये आपको प्रोसेस जो है वो बड़ा आराम से करना है आपको, ताकि आपका जो कोई भी जॉब है उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। और टूल मेरा यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो है वो यहाँ पर टच हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर पता लग जाएगा। तो जैसे ही मेरा जॉब टच हो गया, तो देखिए ये मेरा जो जॉब है
जॉब के साथ में मेरा जो टूल है वो बिल्कुल टच हो चुका है यहाँ पर, और मैं आपको रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल टच हो गया है यहाँ पे, ये जो कॉर्नर है आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पे टच हो गया है। तो जहाँ पर मेरा टूल टच हुआ है वो डायमीटर मेरा जो है वो 90 mm का है। तो ये आपको कहाँ पर डालना है, आपको यहाँ पर ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऑफसेट का ये नीचे वाला सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफसेट डालेंगे। तो यहाँ पर जो डायमीटर मेरा बन रहा है वो 90 mm का है, तो यहाँ पर मैं एक्स लगाऊंगा, एक्स 90.0 करके, और इसको क्या कर देंगे, मैं इसको मेज़र कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको मेज़र किया मेरा एक्स की ऑफसेट कंप्लीट हो गई है। एक्स को थोड़ा सा प्लस में पीछे की ओर करूंगा और टूल को मैं अब वापस जो है वो किस में लेके आऊंगा, वापस जो है मैं इसको प्लस में लेके आ जाऊंगा। यहां पर प्लस में आ गया टूल मेरा, और अब मैं जो है इसको टच करवाने वाला हूं जेड में। तो मैं जेड की जो ऑफसेट है वो लूंगा यहां पे। तो पहले हल्का सा इसको एक्स में माइनस में कर लेते हैं टूल को, टूल को नीचे किया मैंने यहां पर, और उसके बाद में जो है वो जेड में इसको जो है वो टच करवाऊंगा। फेस पे टच करवाना आपको यहां पे, जेड को सिलेक्ट किया और इसको टच करवाएंगे यहां पर, फेस पर टच करवाएंगे। तो आप बड़े ध्यान से ऐसे देख सकते हैं कि अभी तक देखिए ये टूल मेरा टच नहीं हुआ है। अब मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा देता हूँ, तो आपको जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से जो है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको टूल को आगे की ओर लेके आऊँगा, और जैसे ही मैं लेके आया यहाँ पे, तो यहाँ पे टूल कोलाइजन स्टार्ट है जो यहाँ पे टच हो गया है। तो उसके बाद में जो है वो यहाँ पर आपको जेड 0.0 करना है। तो ये जो कर्सर है आपका, उसको आपने यहाँ पर इधर वाले यहाँ ऐसे दबाना है इसको, ये कर्सर आपका इधर आ जाएगा। और अब आपको करना है यहाँ पर जेड 0.0 करके, और आपने यहाँ पे इसको मेज़र कर देना है। जैसे इसको मेज़र करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लेगा आपकी ऑफसेट को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो है वो नोज रेडियस यहाँ पे डालना है आपको, कि इंसर्ट का जो नोज रेडियस आगे का जो होता है वो आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। और टूल टाइप कोड यहाँ पे मैंने डाल रखा है पहले से, टूल टाइप कोड नंबर 3। तो ये आपका जो ऑफसेट है ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैं डायरेक्टली अब इसको जो है वो ऑन करके बताऊँगा। प्रोग्राम मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में जाना है, और उसके बाद में जो है मेरे को जो मोड मेरे को सिलेक्ट करना है वो मेरे को ऑटोमेटिक जो मोड है वो मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मोड सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ऑटोमेटिक मोड के बाद में जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो इसका ऑफसेट जो है वो हम लोग इसको स्टार्ट करके जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो देखिए आपका जो टूल है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि बिल्कुल एकदम जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जो है वो बता रहा है इसकी ऑफसेट को। और हम लोग इसको जो है वो होम पोजीशन में लेके चलते हैं, पहले टूल को होम पोजीशन कर लेते हैं यहाँ पे। टूल आपका होम पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो पहले जेड को होम पोजीशन करना है मेरे को, पहले जेड को होम पोजीशन कर लूँगा मैं यहाँ पे। टूल आपका होम पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ पे आप जो है वो पोजीशन को चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो मेरे को जो है वो एक्स को होम पोजीशन में करना है यहाँ पे, तो जो है वो एक्स भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो एक्स को भी मैंने यहाँ पर जो है वो 0 कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वो प्रोग्राम को टाइप करके आराम से जो है वो इसको कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको प्रोग्राम का बटन दबाना है, ये मेरा जो होम स्क्रीन के ऊपर जो मेरा प्रोग्राम है वो मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। और अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो इसको सबसे पहले सिंगल ब्लॉक में चला करके देखेंगे, और सिंगल ब्लॉक में सबसे पहले मैं इसको चलाऊँगा, और उसके बाद में जो है वो आप इसको जो है वो चेक करने के बाद में डायरेक्टली इसको प्रोडक्शन में जो है वो उतार सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइकिल स्टार्ट का बटन है, तो यहाँ पर जैसे जैसे साइकिल स्टार्ट का बटन मैं यहाँ पर दबाता जाऊँगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो कर्सर में एक एक लाइन जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। सिंगल ब्लॉक में एक एक लाइन जो है वो चलती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो एक एक लाइन चलेगी। जैसे स्पिंडल वाली लाइन पे है आपका जो है स्पिंडल घूमने लग गया, और उसके बाद में तुरंत जो है वो आपका टूल जो है वो यहाँ पर 91 की पोजिशन पर जो है वो यहाँ पर आ गया, और जॉब से देखिए 10 mm प्लस में है यहाँ पर। और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर इसकी जो फीड है वो कम कर देता हूँ, और फीड कम करने से आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से आपका टूल मेटल को काटेगा। तो पहला जो कट है वो बिल्कुल 0-0 पे लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो मैंने जैसे इस लाइन पे लेके आया और बिल्कुल 0-0 पे यहाँ पे जो है वो आ गया है, ठीक है। पहला कट जाएगा आपका बिल्कुल सेंटर से जेड माइनस में 2 mm तक जाएगा, अगली लाइन में आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो ये देखिए टूल आपका किस प्रकार से जो है वो आगे की ओर जा रहा है, और आराम से जो है वो मेटल को काटता हुआ आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये पहला कट बिल्कुल 0-0 पे लगाया है, तो पहले कट में मेटल नहीं मिलेगा इसको, मैंने दिया नहीं है मेटल। सेकेंड कट में जो है वो अब आपका टूल हल्का सा जो है वो जॉब से दूर होगा, प्लस में होगा, और वापस जो है वो 91 पे आ जाएगा। अब अगला डेप्थ ऑफ कट जाएगा जेड माइनस 1। तो अब जैसे ही आपका टूल जाएगा आपको जो है वो मेटल कटता हुआ यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। तो देख सकते हो आप किस प्रकार से जो है वो ये देखिए, तो ये आपका जो मेटल है ये आपको जो है वो प्रॉपर कटते हुए जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये आपका बिल्कुल जो है वो जेड माइनस 2 तक जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो आप बिल्कुल कोई भी टिप जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं बची है, और बिल्कुल इसने जो है वो अच्छे से पहला कट लगाया है। अब दूसरा कट लगाएगा यहाँ पे, ये दूसरा कट भी जो है वो बढ़िया तरीके से लगा रहा है। आप देख रहे हो टूल किस प्रकार से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मेटल को जो है वो रिमूव कर रहा है।
तो यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर दो कट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो तीसरा कट कंप्लीट होने को जा रहा है, यहाँ पे जेड माइनस तीन जा रहा है, ठीक है। तो अब ये एक्स माइनस टू तक जाएगा, तो हर कट जो है वो मैंने एक्स माइनस टू तक लेके जाना है, ताकि कोई सेंटर के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई भी टिप जो है वो ना बचे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर दूर किया टूल को, और यहाँ पर जो है वो टूल मेरा आराम से जो है वो मेटल को चौथे कट के लिए जा रहा है। तो ये कट नंबर जो है वो आपका फोर है, तो चार कट कंप्लीट होने वाले हैं हमारे, तो चार कट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद में जो है वो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा पांचवा कट जो है वो हमारा जो है वो मशीन ने रेडी कर लिया है, और ये हमारा जो है वो पांचवा कट भी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने पांच कट कंप्लीट कर लिए हैं, तो ठीक है। तो जैसे ही हमारे पांच कट कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल इस प्रकार से आपका टूल जो है वो, अब आपका टूल क्या करेगा, यहाँ से आपका टूल जो है वो जॉब से दूर हो जाएगा। कितने एमएम प्लस में होगा आपका, 10 एमएम, तो W10 डाला है मैंने यहाँ पे, और 10 एमएम प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। और यहीं से आपका टूल जो डायरेक्टली फिर ऊपर 91 पे आएगा, 91 पे आ गया, और यहाँ से आपका टूल जो है वो डायरेक्टली होम पोजीशन के लिए जो है वो चला जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो टूल आपका होम पोजीशन के लिए जो है वो चला गया है, और आपका जो ऑपरेशन है यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सामने से जो है वो जॉब को जो है वो बढ़िया तरीके से जो यहाँ पे पांच कट लगा करके, और यहाँ पर जो है वो फेसिंग का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है वो स्वानसॉफ्ट सीएनसी सिमुलेटर के अंदर आसानी के साथ में जो है वो अपने घर पर बैठ करके अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर आसानी के साथ में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।